हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं प्रजापति हेल्थ एंड मोटिवेशन। और आज हम बात करेंगे एपिसोड 19 पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन, निर्णायक और कर्मठ बने, मेहनती बने, तकलीफों के समुन्दर की बाहों में भर लें और ये करते हुए उन्हें ख़त्म कर दें, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। जो भी करोड़पति लोग होते हैं, उन सभी में एक गुण होता है, वो बहुत ही सावधानी के साथ, ध्यान से सोचते हुए, फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं और वो खुद के साथ कार्रवाई के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो वो जल्दी से उसे सही करने की पूरी कोशिश में लग जाते, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं होंगी, जब तक आप सीखोगे कैसे, लर्निंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जो गलतियाँ होती हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं आपको। और शायद आपने भी देखा होगा, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार फेल होने के बाद भी सक्सेस हुए थे। तो दोस्तों, हम कई बार वहीं पे हार मान लेते हैं कि जब हम फेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, हमारी किस्मत में नहीं लिखा, हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। बट अगर वहीं पर आप पॉजिटिव सोचें और कुछ आगे बढ़ने की सोचें तो आप ज़रूर सफल हो जाते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र, कोशिश करना, ट्राई अगेन। और सफल लोग निर्णायक होते हैं, वो अन्य लोगों से कहीं ज़्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाओगे। असफल लोग निर्णय नहीं ले पाते, कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते, उन्हें पता होता है कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास एक संकल्प लेने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके कई बार डिसीजन मेकर कई बार बाहर के लोग होते हैं और जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, कि लोग क्या कहेंगे, वो लोगों के बारे में सोचते हैं और इसलिए वो असफल हो जाते हैं। वो कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते, वो उससे भी कहीं कम पाते हैं जितना कि उनके लिए संभव था, जितना उन्हें मिलना था कई बार वो भी उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो हिम्मत बीच में ही हार जाते, तभी वो हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं और फिर काम नहीं करते, कहते हैं कि हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमने लॉस नहीं हुआ, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वहाँ से आपको मिलती है। इसलिए जब भी आप फेल होते हैं तो कुछ आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा सीखने को मिलता है। जब आप निर्णायक बनते हैं और आप शीघ्रता से जीवन में चलते हैं तो अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन कहीं ज़्यादा काम करते हैं और अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हो। आप खुद को ज़्यादा ऊर्जा और स्फूर्ति और प्रेरणा में टेप करते हो और ये आपको बहुत आनंद देता है, और तब ये सकारात्मक ऊर्जा और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ाने में 100% आपका फोकस कंसंट्रेट करता है। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य पर अड़िग रहिए, बने रहिए, जब तक आप उस लक्ष्य को पा नहीं लेते। खुद से पूछें वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं अभी अप्लाई करूं अपनी लाइफ में, तो जिससे कि मेरे जीवन में एक मेरे लक्ष्य की तरफ पॉजिटिव प्रभाव पड़े। इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत लें और डिसीजन मेकर बने। जब तक आप डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे, जब तक आप डिसीजन लेने के लायक नहीं बनेंगे, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों। तो डिसीजन खुद का होता है, ठीक है, एडवाइस लेना चाहिए लोगों से, बट कहीं ना कहीं डिसीजन आपको लेना चाहिए, लगता है बड़ा कर सकते हो। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।